बॉडी सब भी उस हालत में थी कि एक मन के अंदर भय था। डेड बॉडी को अपने हाथ से जब हटाया तो उस समय बहुत अजीब सा लग रहा था, उस डेड बॉडी के बीच में बैठे बैठे। ये आंखें तब तब भावनाओं की कश्ती पर सवार होंगी जब जब केदारनाथ की त्रासदी याद आएगी। अविरल चौबे अपने घर तो सही सलामत लौट आए हैं, लेकिन मौत का वो मंजर, लाशों का वो पहाड़, कुदरत का वो तांडव देखकर आए हैं जो जीवन रहते भूलना आसान नहीं। अविरल बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के छोटे बेटे हैं। डेड बॉडी को अपने हाथ से जब हटाया तो उस समय बहुत अजीब सा लग रहा था, उस डेड बॉडी के बीच में बैठे बैठे। कुछ लोग टूटे हुए मकान में भी छिपे हुए थे, तो हम लोगों को ये लगा कि मौसा मौसी वहां होंगे, तो हम लोग नीचे गए। वहाँ पे कुछ कर्टेंस जो टंगे हुए थे, जो कि भींगा नहीं था, उसको 2 किलोमीटर से और कुछ रजाई लाने का ऊपर से प्रयास किए हम और भैया, लेकिन हम लोगों का वो मेहनत भी विफल रहा। अविरल बताते हैं कि बेबसी का आलम कुछ यूं था कि जिंदा रहने के लिए गंदा पानी और मलबे में बिखरी हुई खाने पीने की चीजों को ढूंढ कर खाया। अविरल के पिता यानी बीजेपी नेता अश्विनी चौबे अभी दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। जब दूसरा दिन, ये 2 दिन बीतने के बाद तीसरा दिन, बच्चे लोगों को पानी नहीं है, बाहर जाके पानी देते हैं तो जो मडी वाटर आ रहा है वो पानी लेकर के उन लोगों को पिलाए हैं। बिस्किट ढूंढ रहे हैं मलबे में से कि कुछ खाने का सामान मिल जाए जो अस्त व्यस्त हुआ है, उसमें कुछ बिस्किट का टुकड़ा मिल रहा है, पूरा मिट्टी लगा है तो उसको हटा हटा के बच्चे को खिला रहे हैं। और बीच बीच में इतनी तेज़ आवाज़ और पानी का फोर्स आता था या लगता था कि दोबारा फिर से आ रहा है, तो एक मन में वो डर जो था वो लगातार। अविरल के साथ गए उनके मौसा मौसी नहीं रहे और 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। CID स्पेशल ब्रांच में कार्यरत देवेंद्र सिंह प्रसाद भी उनके साथ गए थे। उनका बेटा विकास उनके बारे में खबर लेने अश्विनी चौबे के सरकारी आवास पहुंचा है। आवास पर देवेंद्र की मोटरसाइकिल लगी है जिस पर सवार होकर वो 11 जून को यहां उत्तराखंड जाने के लिए पहुंचे थे। अब यहां से जो जानकारी मिल रही है कि मतलब कि जो गए हुए थे तो उनका पता नहीं चल रहा है, सरकार से ही कहें कि जल्द से जल्द मतलब कि जो मिले तो कृपया घर पे सूचित कर दो। 15 लोगों के इस काफिले में सिक्योरिटी इंचार्ज फूलन ओझा भी लापता है। घर वालों को आशंका है कि वो अब नहीं रहे। पहले से ही माँ के आंचल से महरूम उनके बच्चों पर अब रोटी का संकट भी आन पड़ा है। मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहूँगा कि मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं हूँ और एक मेरे भाई हैं और मेरे पास कोई नहीं है। मैं प्लीज़ उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ मेरे पापा के बारे में कुछ मतलब जानकारी दीजिए। जैसा मुझे जानकारी मिल रही है कि मतलब पापा के साथ जो 3 आदमी थे वो लोग बह गए हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। बिहार सरकार ने अधिकारियों का एक दल देहरादून के लिए रवाना कर दिया है, साथ ही सरकार इच्छुक परिजनों को देहरादून भेजने का भी इंतजाम कर रही है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीतू तिवारी, RN News, पटना।